नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज के दिन की चौथी शिफ्ट भी ओवर हो चुकी है और उसी का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाकी शिफ्ट्स के कंपैरिजन में फोर्थ शिफ्ट कैसी थी। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लगभग वही लेवल था। बाकी अगर असली में ध्यान दिया जाए तो क्वांट बाकी सेशंस के कंपैरिजन में उल्टा इजियर साइड थी। कारण बात कर लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले क्वांट के बारे में कर लेते हैं कि क्वांट में क्या क्या टॉपिक्स थे, कितना कितना वेटेज रहा। तो कुछ एक इधर उधर वेरिएशन के साथ लगभग पेपर सेम ही था। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर सीरीज। तो आपके रॉन्ग नंबर सीरीज फिर से पूछी गई, जो ट्रेंड रहा है अभी तक एसबीआई क्लर्क में। रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई, 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज से। फिर आपके क्वाड्रेटिक भी इसमें पूछे गए, क्वाड्रेटिक भी पूछे गए, और क्वाड्रेटिक का वेटेज था 5 सवाल, 5 क्वेश्चन। इसके बाद आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन का वेटेज है 10 क्वेश्चन का। इसके बाद बात करेंगे डीआई। तो जनरली आपने चेक किया है कि दो दो डीआई लगभग सभी शिफ्ट्स में पूछी जा रही है, पर इस शिफ्ट में दो डीआई नहीं, एक ही डीआई पूछी गई थी और डीआई का फॉर्मेट था टेबुलर। टेबुलर डीआई आपसे पूछी गई थी और 5 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए थे आपसे। ठीक है, अब इसके अलावा आपसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज, डीआई और फिर आपके बचते हैं अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स, उसका वेटेज था 10 क्वेश्चंस का। तो 10 प्लस 10 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35। तो ये वेटेज था। डीआई में थोड़ा सा लगता कि डीआई का 10 मार्क्स के वेटेज से 10 क्वेश्चंस के वेटेज के बजाय 5 क्वेश्चंस का वेटेज था। क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज तीनों एक ही शिफ्ट मिली, जो जनरली दो ही टॉपिक इनमें से रहते थे। शिफ्ट नंबर 4 में इन्होंने तीनों पूछे और डीआई का जो वेटेज था थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, तो डुएबल था। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इजियर साइड पे थी, रॉन्ग नंबर सीरीज के भी आप काफी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते थे, सिंप्लीफिकेशन भी इजियर साइड पे थी। तो ये जो 20 क्वेश्चंस है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे काफी, और बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं था कि टाइम टेकिंग थे, आराम से आप टाइम में कर सकते थे। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 से 25 के बीच में तो आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, 20 से 25 के बीच में अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम रीजनिंग के लिए। तो चलिए, रीजनिंग का भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वही स्टैंडर्ड जो आप पेपर देखते आए हैं वही रहा इस बार भी। सबसे पहले पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। पजल सिटिंग अरेंजमेंट में आपसे अननोन नंबर ऑफ पीपल वाली जो रहती है कि एक लीनियर रूम में सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठते हैं, अननोन नंबर ऑफ पीपल या अननोन नंबर ऑफ पर्संस जो लीनियर रो में बैठते हैं, जो किसमें लीनियर रो में बैठते हैं, उस पर फिर से सवाल पूछा गया। काफी स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल रहा है कि इससे एक सेट तो हर बार पूछा जा रहा है। तो 5 क्वेश्चंस यहां से बने। फिर इसके बाद पूछा गया पैरेलल रो पे, एक रो में 5 पर्सन थे और सामने वाले में भी 5, एक नॉर्थ फेसिंग था एक साउथ फेसिंग था, पैरेलल रो और वेटेज था 5 क्वेश्चंस का। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक डे बेस्ड पजल पूछा गया, डे बेस्ड पजल था। ठीक है, आराम से आप कर सकते थे, डे बेस्ड पजल था, 5 क्वेश्चंस का वेटेज। फिर आपसे एक मंथ बेस्ड पजल पूछा गया जो बर्थडे बेस्ड था, मतलब कुछ पर्सन्स थे उनके बर्थडेज थे आपके अलग अलग मंथ्स में, लगभग 8 लोगों पर था ये शायद तक, जहां तक हमें याद है जो स्टूडेंट ने हमें बताया, 8 लोग थे, मंथ बेस्ड पजल था और 5 क्वेश्चंस का इसमें सीधा सीधा वेटेज। अब सभी के सभी जो पजल्स थे सिटिंग अरेंजमेंट के जो सेट थे वो डुएबल थे, इजी से मीडियम लेवल तक के ही थे, आराम से 3 से 4 मिनट में सारे के सारे सेट आप बना सकते थे। अब मिसलिनियस टॉपिक से क्या क्या था, डायरेक्शन सेंस से आपके 3 क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन सेंस से एक शॉर्ट पजल के फॉर्म में 3 क्वेश्चंस थे, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान। फिर आपके सिलॉग से वही 3 से 4 क्वेश्चन फिर से पूछे गए, जिसमें ओनली ओनली अ फ्यू ओनली फ्यू वाले जो केसेस रहते हैं वो फिर से पूछे गए। और फाइनली आपसे कोडिंग डिकोडिंग जो ओल्ड पैटर्न पे जो कोडिंग डिकोडिंग रहती है उससे सवाल पूछे गए 5 क्वेश्चंस, और सीरीज में आपसे न्यूमेरिक सीरीज से सवाल पूछे गए, न्यूमेरिक सीरीज से सवाल पूछे गए। तो
20 तो यहाँ आ गए, 26, 26 और 31, और यहां से मान लीजिए अराउंड 4 क्वेश्चंस यहां से थे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रीजनिंग का था। मेरा मानना है 25 से 30 के बीच में आप आराम से अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं विद वेरी गुड एक्यूरेसी, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप 25 से 30 के बीच में आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम यही बताएंगे कि ओवरऑल अटेम्प्ट जो है 75 या उससे प्लस गुड माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ काफी हाई जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल कंपैरेटिवली इजियर साइड पर है, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, तो आप मान सकते हैं कि कट ऑफ आ जाएगी। अब हमें आज के सेशन के कुछ क्वेश्चंस, कुछ पजल्स के सेट और मिले, जो कुछ ही समय में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक सिंगल वीडियो में 2-3 पजल एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्लस जैसे ही क्वांट के और वीडियोस जैसे मिसेलिनियस या अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स पे जो आज पूछे गए जो सवाल थे, वो भी कई सवाल हमें मिले हैं, उसको भी कंबाइन करके एक शानदार वीडियो आपके लिए हम जरूर लाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स अभी नए हैं हमारे चैनल पे, नए नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लाएं तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।